अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी रश्मा वहीर। अभी सहरी की नमाज़ पढ़ी और अब मैं निकल रही हूँ शूट के लिए। रोज़ा रख कर शूट करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है और आज का रोज़ा बहुत हार्ड होगा बिकॉज़ गर्मी भी है और लोकेशन जो है हमारी हिरन मीनार है और ज़ीशान की तरफ पहले मैं जाऊँगी ताकि हम गाड़ियाँ आगे पीछे करके लोकेशन पर पहुँच जाएँ। सो स्टे विद अस। सो अभी रुबीना जो है आगे भी है। हेलो रुबीना। रुबीना ने मेरी चीज़ें जो है वो पकड़ी है। चलो रुबीना शूट पे चलें और अभी हम निकल रहे हैं शूट के लिए। सो स्टे विद अस। मेरा पूरा रूम जो है ना मेस हुआ है और ये मेरा ड्रेस है वाइट और ये दिस इज़ अच्छा मैंने नीचे कैमासोल पहना हुआ है। मुझे आप लोगों ने फजूल कमेंट नहीं करने ठीक है। थोड़ा सा ये वाइट कलर सी थ्रू था तो मैंने नीचे कैमासोल पहना हुआ है। ब्लैक कलर का वाइट वाला जो था वो इस वक्त अरेंज नहीं हो पा रहा था क्योंकि एकदम शूट कॉल आ गई तो मुश्किल हो जाती चीज़ें मैनेज करना जब एकदम शूट कॉल आ जाए और मार्केट भी सारी बंद हो गई भी थी तो ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं, इग्नोर किया करें। वैसे मैंने बता के प्रोमिनेंट ज़रूर कर दिया। खैर स्टे विद मी। टाइम टू गो और ज़ीशान इज़ रेडी, ताहिर इज़ रेडी। इन दोनों का कम्बाइन अवेंट कहने लगे थे, इन दोनों का कम्बाइन सॉन्ग है और इसमें दीदार भी हैं, मैं हूँ और वी आर रेडी टू गो। पूरे क्रू के साथ और शूट जो है वो स्टार्ट हो गया है और मज़े कर रहा है। सबके कॉस्ट्यूम्स बहुत अच्छे हैं, अपनी तैयार करना है, दीदार तैयार हो चुकी हुई है, इतना प्यारा आउटफिट है इनका। वी आर अगेन टुगेदर गाइस। और आज हमारी वीडियो को डायरेक्ट कर रहे हैं अदील भाई और तेरियां ये सॉन्ग रहे और आपने सुनना है, आपको मजा आएगा इंशाल्लाह ताला। फुल सीक्वेंस हम रिकॉर्ड करा रहे हैं। ये जब स्मोक करते हैं ना एकदम मेरे सांस में जाती है और मेरा रोज़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। गला बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहा है क्योंकि उन्होंने वो थोड़ा सा दिखाना है धुआं और इस वक्त हम हिरन मीनार पे हैं और शूट बहुत अच्छा चल रहा है। और दिखाओ उस तरफ है मीनार, उस तरफ है और इस वक्त हम फर्स्ट सीक्वेंस जो है इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। बहुत मज़ा आ रहा है लेकिन मुझे ना हाइकल का रोज़ा फील हो रहा है कि अब मतलब रोज़ा है मेरा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हिम्मत देने वाला है। मैं खुश हूँ मैं कि मैंने रोज़ा स्किप नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो स्टे ट्यून्ड, हर बात पे स्टे ट्यून्ड। वाह क्या बात है। सेकेंड सीक्वेंस जो है उसको रिकॉर्ड करेंगे। ताहिर जो है रेडी हो रहे हैं, अभी वो आते हैं तो सेकेंड सीक्वेंस जो है वो स्टार्ट। इंशाल्लाह।
Very nice, Rishma. Very nice, Rishma. तो हम अपने जो सीक्वेंस उसको रिकॉर्ड करा रहे हैं और ताहिर का वॉटर बहुत अच्छा है, मेरा वॉटर जो है मैचिंग हो गया है। किधर जाइए मुझे सिर्फ इतना बताओ, आउटफिट से मैंने परचेज किया है और शूट सुपर अमेजिंग है। बहुत मजा रहे जी, आप सुपर स्टार हमारे साथ काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको खुश रखे यार, एंजॉय हो रहा है। Still we are at shoot और अब तो रोजा भी मुझे लगने लग गया है। आपको भी रोजा आपका और जब पैराफिन उड़ता है ना तो एकदम गला ड्राई होता है, तो रोजा इज टचिंग मी। थैंक यू सो मच, खुश रहें और आबाद रहें। अस्सलाम वालेकुम जी, हमारी रिश्मा मरियम। तो जी अभी हम हिरन मीनार पे ही हैं और हम यहीं पे एक और जगह पे हम सीक्वेंस रिकॉर्ड करने के लिए हम आ गए हुए हैं। हम थोड़ा चल के नहीं आ सकते थे क्योंकि थोड़ा दूर था और रोजा इज रियली प्लस हुई पड़ी है मेरी, इतनी मेहनत होती है एक प्रोजेक्ट के पीछे, इतने थ्रू होता है। अभी हमने जाना है वहाँ पे कहाँ ऊपर लेवल है, पहले ऑडियो पे इतनी मेहनत होती है, फिर वीडियो पे बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, मतलब 2-3 मिनट के वीडियो के पीछे हमारी 10-10 घंटे की 24-24 घंटे की मेहनत होती है। अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, अप्रिशिएट किया करें, क्योंकि आपकी एप्रिसिएशन जो है वो बहुत वैल्यूएबल है। और रोज़ा है और बिल्कुल एंड हुई पड़ी है, पैर मेरे बिल्कुल थक गए, गर्मी बहुत ज़्यादा है, भूख तो मुझे नहीं लगी लेकिन गला बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहा है। मैं स्किप कर सकती थी करने को लेकिन मुझे वो एक गिल्ट रहता कि मैंने रोज़ा स्किप कर दिया। वैसे जो मैंने रोज़े छोड़े हैं वो मैं आफ्टर ईद जो है मैं उसको कम्प्लीट करती होती हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह सिंस 5 ईयर्स की मैं थी तब से मैं रोज़े रख रही हूँ, 5-6 साल की थी हाँ। तो अच्छी फीलिंग्स हैं, ये बहुत अच्छी फीलिंग्स हैं, मतलब आप आई फील ब्लेस्ड। लेकिन वो एक मेहनत है बहुत ज़्यादा उसको बेयर करना, धूप दिखावट नहीं है। ये ब्लॉग बस हुई पड़ी है नहीं, नहीं पता नहीं फ्लोर है, लग रहा है सॉरी दोबारा। हम आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं कि एक शूट पे कितनी मेहनत होती है, पूरा क्रू होता है और मतलब एक पूरा सिस्टम होता है। दिखाओ सिस्टम ये सारा सेटअप आया उसमें यार, आर्टिंग के लिए आर्टिंग मतलब हमने आर्ट एपो ब्लॉग अभी
से लेके अभी तक हम शूट पे इस वक्त 3 बज रहे हैं, 4 बजे आज हमारी सबर पे रोजे तक और इंशाल्लाह बहुत अच्छा गाना आने वाला है जी हमारा मेरा दिशान भाई का इंशाल्लाह मजा आएगा। ये लास्ट था दिल का रस हो जाए मुझे नींद तो नहीं आई लेकिन रोजा बहुत लग रहा है रोजे मेरे को जो प्यास बहुत लगी मुझे बस ठंडा पानी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए पानी पता करो यार क्या बताओ मेरे से खोल दो बस हुई पड़ी है मेरी। अच्छा तो बिठा कर कहीं शॉर्ट करवाना है रोजे सबसे पहले जी आपके थैंक यू आपने अपना टाइम दिया और बहुत मजा आया बहुत शुक्रिया अल्लाह हमेशा खुश रहे नहीं वो तो उधर से शुरू कर दिया है किसान भाई स्टोरी जो था वो गर्म ये जो शूट हुआ कंप्लीट इट वाज वंडरफुल सॉन्ग अच्छे अच्छे सॉन्ग बनाते रहे ऑडियंस को एंटरटेन करते रहे इनका क्योंकि रोजा था और पूरा दिन इन्होंने जो काम किया है और अफतारी का माहौल भी वो नहीं बन सका इस टाइम इनका थोड़ा मूड भी ऑफ है लेकिन इंशाल्लाह अच्छा इन्होंने काम किया और कमाल काम किया मजा आया आप सबका अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जी फाइनली वी आर बैक टू लाहौर और अभी दिशान का और बाकी क्रू का प्लान था डिनर प्लस अफतारी का आई एम वेरी टायर्ड और बस जजाकल्लाह फॉर द इनविटेशन और बस मैं अब घर जाके इंशाल्लाह शावर लूँगी और उसके बाद फिर कुछ लाइट सा खा के या पी के रेस्ट करूँगी बिकॉज आज सारा दिन जो था ना वो धूप में गुजरे और फ्लैश लाइट ऑन कर लूँ घंटा जो था ना अफतारी का वो मैं डेड हो गई थी पूरा दिन अल्लाह का शुक्र है मैंने बहुत हिम्मत दिखाई वो जो लास्ट एक घंटा था ना एक घंटा में जो लास्ट आधा घंटा था उस पर मुझे लग रहा था कि मुझे कुछ हो जाएगा मतलब मुझे ना भूख नहीं लग रही थी मुझे प्यास बहुत ज़्यादा लग रही थी मेरी वेन्स जो है ना वो स्वेल होने लग गई थी बहुत
मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करें कि मैं किस टॉपिक पे व्लॉग बनाऊं, बिकॉज मैं कॉन्स्टेंटली व्लॉग शूट नहीं करती हूँ. अगर मैं व्लॉग बनाती भी हूँ तो मैं उसको एडिट करके अपलोड करने के बजाय डिलीट कर देती हूँ. मुझे ये लगता है कि ये शो ऑफ हो रहा है. आई डोंट नो, शायद मेरा एक अपना एक माइंड सेट है. तो कमेंट सेक्शन में बताया करें कि आज किस टॉपिक पे व्लॉग बनाएं या किस कॉन्टेंट पे व्लॉग बनाना चाहिए या बनाया करूँ डेली बेसिस पे क्या.